एक बार की बात है, एक गांव में एक सुल्तान नाम का किसान रहता था। सुल्तान बहुत ही गरीब था। एक रात सुल्तान अपने खेत में एक फावड़े से खुदाई कर रहा होता है, तभी उसे कुछ टकराने की आवाज आती है। अरे ये क्या आवाज है, लगता है जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। ऐसा कहकर सुल्तान आराम आराम से आवाज वाली जगह पर खुदाई करने लगता है। थोड़ी खुदाई करने के बाद उसे एक पुराना लोटा मिलता है, जो कि एक कपड़े से ढका होता है। अरे ये तो लोटा है, लो खोदा खेत और निकला लोटा। मैं तो समझा शायद कोई खजाना मिलेगा, चलो मेरी मनहूस किस्मत। फिर सुल्तान वो लोटा लेकर अपने घर चला जाता है। सुल्तान के हाथों में लोटा देखकर कम्मो सुल्तान से पूछती है, अरे आप ये इतना पुराना लोटा कहाँ से लेकर आ गए हैं जी, और ऊपर से ये बंधा क्यों है? अरे कुछ नहीं, खेत में खुदाई के दौरान मिला है ये मुझे, इतनी मेहनत के बाद। मुझे लगता है हमारी तो किस्मत ही खराब है। आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह बातें करते हैं। अरे हम कोई भूखे थोड़ी मर रहे हैं। लेकिन कम्मो की बात सुनकर सुल्तान पर कोई असर नहीं होता और वो सोचने लगता है। सुनो मैंने एक बात तो सोची ही नहीं, जहाँ से ये लोटा मुझे मिला है क्यों ना और खुदाई करूँ, हो सकता है कोई सोना या हीरे जवाहरात मिल जाए। ऐसा सोचकर सुल्तान खेत में खुदाई करने लगता है। उसका दोस्त दीना उसे देखता है और बोलता है, अरे सुल्तान खेत इतना गहरा क्यों खोद रहे हो, कहीं पेट्रोल तो नहीं ढूंढ रहे? दीना की बात सुनकर सुल्तान को गुस्सा आ जाता है। दीना भैया पेट्रोल का तो पता नहीं, लेकिन जैसे तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, मेरा मन कर रहा है तुम्हारा तेल जरूर निकाल दूं। सुल्तान को गुस्से में देख दीना वहाँ से खिसक जाता है और फिर सुल्तान अपने काम पर लग जाता है। तभी उसका फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराता है। लगता है मेरी किस्मत खुल गई है। ये तो किसी बर्तन की आवाज है, जरूर सोना या हीरे मोती होंगे। मैं अब दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। ऐसा कहकर सुल्तान जल्दी जल्दी से खोदने लगता है और वहाँ से एक बड़ा सा सोने का संदूक निकलता है। ये तो सोने का संदूक है। सुना है पहले के राजा महाराजा अपना सारा सोना और जवाहरात संदूकों में रखते थे, इसमें भी वही होगा, इसे खोल कर देखता हूँ। ऐसा कहकर सुल्तान संदूक को खोलने लगता है और संदूक के अंदर झांकता है। अंदर झांकते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। संदूक के अंदर एक कंकाल पड़ा होता है और जैसे ही सुल्तान संदूक को बंद करने जाता है, कंकाल उठ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। मुझे फिर से क्यों बंद कर रहा है, बड़ी मुश्किल से तो मैं बाहर आया हूँ। मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता, समझा? हाँ अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो मेरी सारी बातें माननी होंगी। कोई चारा ना देखकर सुल्तान कंकाल की सारी बातें मानने के लिए राजी हो जाता है। कंकाल सबसे पहले सुल्तान के घर चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सुल्तान बोलता है, देखो भैया कंकाल, मारना है तो मुझे अभी मार डालो, क्योंकि अगर मेरी बीवी को पता चला कि ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है तो वो मुझे तुमसे पहले मार डालेगी। मुझे पता था तुम यही बोलोगे, क्योंकि मैं जब जिंदा था तो मैं भी अपनी पत्नी से बहुत डरता था, लेकिन अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी पत्नी को ही मार डालूंगा, वो भी पहले, समझा? अपनी पत्नी की जान पर बात जाते देख सुल्तान घबरा जाता है और कंकाल की बात मानकर उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। घर के पास पहुंचने पर सुल्तान कंकाल से बोलता है,
कंकाल भैया तुम यहीं रुको, मेरी पत्नी बड़ी गुस्से वाली है, मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मुझे वो झाड़ू से पीटे। तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें झाड़ू से पीटती है? मैं जब जिंदा था तब मेरी बीवी भी मुझे झाड़ू से मारती थी। मैं तो समझता था इस दुनिया में मैं ही पत्नी पीड़ित हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप भी हम जैसे हैं। अब ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुझे यही मार डालूंगा। चुपचाप अंदर चल और अपनी पत्नी को बुला। कंकाल की बात सुनकर सुल्तान दरवाजे पर दस्तक देता है। कम्मो बाहर आती है और सुल्तान से पूछती है, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी रात को बाहर घूमते रहते हो? अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अंदर आओ जरा तुम्हें बताती हूँ। इससे पहले सुल्तान कुछ कहता कंकाल बोलता है, इतना बकवास करती है तू औरत, पता नहीं ये तेरा पति कैसे बर्दाश्त करता है तुझे। कंकाल को देखकर कम्मो घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। सुल्तान कम्मो को उठाकर घर के अंदर ले जाता है और उसे होश में लाने के बाद सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद कम्मो बोलती है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि कुछ मत करना, लेकिन तुम नहीं माने, पैसों के लालच में तुमने ये मुसीबत मोल ले ली। कम्मो और सुल्तान बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ कंकाल आता है और बोलता है, चुप करो तुम दोनों, कितना बोलते हो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए इंसानी खून लाओ नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, समझे? खून? खून? मैं कहाँ से खून लाऊंगा, और तुम पियोगे कैसे, तुम्हारा तो पेट ही नहीं है, ये खून कहाँ जाएगा। सुल्तान की बात सुनकर कंकाल को गुस्सा आ जाता है और वो कम्मो को पकड़कर बोलता है, बहुत बोलता है रे तू लड़के, चुपचाप जा और खून का इंतजाम कर, नहीं तो मैं तेरी पत्नी को मार डालूंगा। नहीं नहीं, मेरी पत्नी को कुछ मत करना, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर सुल्तान घर से बाहर निकल जाता है और कुछ सोचकर वो एक जानवर को मारकर उसका खून ले जाकर कंकाल को दे देता है। कंकाल भी सारा खून पी जाता है। वाह, मजा आ गया, मैंने काफी दिनों बाद खून पिया है, अब से तू रोज मेरे लिए खून लाएगा। ऐसा कहकर कंकाल वहाँ से चला जाता है और सुल्तान भी डरकर रोज किसी न किसी जानवर का खून लाकर कंकाल को पिला देता है। रोज रोज जानवरों के मरने से गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं। एक दिन सुल्तान को जानवर मारते हुए दीना देख लेता है। ये सब क्या हो रहा है सुल्तान, तुम इस बकरी को क्यों मार रहे हो, जल्दी बताओ नहीं तो मैं अभी गांव वालों को बुला लेता हूँ। दीना की बात सुनकर सुल्तान घबरा जाता है और उसे सारी बात बता देता है। दीना दीना मेरे भाई, इस बारे में गांव वालों को मत बताना, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे और वो कंकाल मेरी पत्नी को मार डालेगा। तुम चिंता मत करो सुल्तान, हम इस समस्या का कुछ करते हैं। हाँ। ऐसा कहकर दीना सुल्तान को लेकर एक बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बाबा बोलते हैं, बेटा इस कंकाल की जान एक लोटे में कैद है, उस लोटे के मुंह पर कपड़ा बंधा है, उस कपड़े को खोल दो ये कंकाल भी मर जाएगा। बाबा की बात सुनकर सुल्तान बोलता है, हाँ बाबा, एक लोटा मिला था मुझे, उस पर कपड़ा भी बंधा था, मुझे लगता है ये वही लोटा है। फिर सुल्तान और दीना दोनों सुल्तान के घर के अंदर चले जाते हैं। दीना को देखकर कंकाल बोलता है, शाबाश सुल्तान, शाबाश, तू मेरे खाने के लिए एक पूरा इंसान ही लेकर आ गया, मजा आ गया। कितना मोटा ताजा है ये, इसे तो खाने में भी मजा आएगा।
अबे कंकाल, तेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, चला है मुझे खाने। एक मारूंगा ना तो यही बिखर जाएगा। हाँ, दीना की बात सुनकर कंकाल गुस्से में आ जाता है और दीना को पकड़कर बोलता है, तू बहुत बोलता है, तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तब तक सुल्तान उस लोटे के ऊपर बंधा कपड़ा खोल देता है। जैसे ही सुल्तान कपड़ा खोलता है, कमरे में अंधेरा छा जाता है और जब अंधेरा हटता है तो वहाँ से कंकाल जा चुका होता है। चलो भाई, जान बच गई, ये कंकाल यहाँ से चला गया।